शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां आप इस तरह का सेंटेंस न सुनते होंगे या बोलते होंगे, जैसे तुम पक्का पागल हो, तुम पक्का बेवकूफ हो, या वह पक्का धोखेबाज है, वह पक्का झूठा है, वह एक पक्का चोर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस जहां आप कहते हैं पक्का और जहां आपके कहने का सेंस होता है पूरी तरीके से, यानी कम्प्लीटली, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप आउट एंड आउट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। अगर आपको कहना हो तुम पक्की धोखेबाज हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर आउट एंड आउट अ चीटर, यानी तुम पक्के धोखेबाज हो। अगर आपको कहना हो तुम पक्का पागल हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर आउट एंड आउट मैड। वह पक्का बेवकूफ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज आउट एंड आउट फुलिस, यानी वह पक्का बेवकूफ है। अगर आपको कहना हो वह एक पक्का चोर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज आउट एंड आउट अ थीफ। अगर आपको कहना हो मैं पक्का बेगुनाह हूँ या निर्दोष हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम आउट एंड आउट इनोसेंट, यानी मैं पक्का मासूम हूँ या बेकसूर हूँ। अगर आपको कहना हो वह पक्का बीमार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज आउट एंड आउट इल। अगर आपको कहना हो वह पक्का घमंडी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज आउट एंड आउट एरोगेंट, यानी वह पक्का घमंडी है। अगर आपको कहना हो तुम पक्का अनपढ़ हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर आउट एंड आउट इलिटरेट, यानी तुम पक्का अनपढ़ हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कोई इंसान कम्प्लीटली कुछ है या पूरी तरीके से वो है को बोलने के लिए आप आउट एंड आउट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।